स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जिसमें आपको बहुत ही उपयोगी तथा बैंकिंग एसएससी में जो जिस प्रकार के सेंटेंस पूछे जा चुके हैं वह मैं लेके आया हूँ। एक कड़ी आपकी ये है, अगली कड़ी यानी नेक्स्ट जो लिंक मैं दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा, दो प्रकार से आ जाते हैं। एक प्रकार से इस प्रकार आ जाएगा कि एक सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, नीचे चार वाक्य दे दिए जाएंगे, बताइए कि कौन सा सही होगा। तो आपको वो बन जाएगा अगर आपको ये वाक्य बनते हैं। तो दूसरी स्टेप आती है कि आपको पॉइंट में करेक्शन बताना पड़ता है कि किस भाग में करेक्शन होता है, वह भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आ जाता है कि आपको चार भाग दे दिए जाएंगे और एक भाग में आपको बताना है कि करेक्ट कौन है, इनकरेक्ट कौन है। उसी चर्चा हम बाद में भी कर लेंगे, अभी फिलहाल हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं कि पहला आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आगे जो सेंटेंस आएंगे देखते जाना आप क्रमगत रूप से। पहला सेंटेंस है गुड हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिचेज, पहला सेंटेंस दिया गया है। पॉजिटिव डिग्री में से बदलना है, आप देख रहे हैं पहचान आपकी हो गई कि मोर लगा हुआ है, यानी कि इम्प्रेक्ट ये आपका कॉम्पिटेटिव सेंटेंस है, अतः हम इसको आगे लाएंगे रिचेज इज लग जाएगा। आपको पता है कि जब ऊपर वाला वाक्य यानी कि कॉम्परेटिव वाक्य एफर्मेटिव होता है तो पॉजिटिव को हम नेगेटिव में डालेंगे, अतः यहाँ क्या जाएगा नॉट, मोर हट जाएगा और नेगेटिव वाक्य में सो डॉटेड एज से जोड़ते हैं, अतः सो इम्पोर्टेंट एज गुड हेल्थ, गुड बाई इजिली आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ही सिंपल आ गया, सो डॉट डॉट ऐसे है बन गया पॉजिटिव डिग्री में। अब दूसरा आता है इसे कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है, आप देख रहे हैं कि यह संस्कृत इज नॉट इजी एज हिंदी, यानी कि इम्परेटिव वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस में दिया गया है, आपको कॉम्परेटिव बनाना है, हिंदी को आगे लाएंगे, हिंदी इज ऊपर वाला वाक्य नेगेटिव आता है ये एफर्मेटिव हो जाएगा, इजियर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इजियर, देन लगा देंगे देन संस्कृत, बड़ा ही इजीली बन गया, कोई आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, नो अदर कंट्री दिया गया है और चाइना दिया गया है, अतः इसको हम आगे लाएंगे चाइना, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए एफर्मेटिव बनेगा, चाइना इज द, आपको पता है भाई सुपरलेटिव डिग्री में द लगता है इसलिए द आ जाएगा। पॉपुलेटिव को पॉपुलेटेस्ट नहीं कर सकते हैं, एडजेक्टिव में दिया है इसलिए हमें यहाँ मोस्ट लगाना पड़ेगा, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आपका सेम उसी प्रकार से आ जाएगा, और इन द वर्ल्ड लगा है, इन द वर्ल्ड में कोई चेंज नहीं। अगली ओर बढ़ते हैं, अब जो रिमूव टू का है, रिमूव टू करना है, टू आपका दिया गया है आपको हटाना होगा, वो आपको पता है कि जब रिमूव टू हटाते हैं तो कैन नॉट भी हट जाता है, जे भी हट जाता है, कंजक्शन भी हट जाता है, उसी प्रकार से आप बदल दीजिए द हैट इज, टू के स्थान पे क्या आएगा सो, ये सेंटेंस गलत दिया गया है, ये सेंटेंस गलत है, यहाँ इस प्रकार से नहीं देना चाहिए, यहाँ सो होगा, यहाँ सो होगा, रिमूव टू हटाना है, द हेड इज सो लार्ज दैट ही कैन नॉट, इस प्रकार से होगा। अब इसको हम रिमूव टू हटाएंगे तो रिमूव टू करना है, यहाँ एड टू आ जाएगा, यहाँ एड टू आ जाएगा, आप देखिए इसको, द हेड इज सो लार्ज यानी कि सो के स्थान पर टू आ गया, एल ए आर जी लार्ज हो जाएगा, ये हट जाएगा,
ये भी हट जाएगा क्योंकि रिमूव एड टू करना है, इसके स्थान पर क्या आएगा, टू आएगा और बियर बन गया। द हेड इज टू लार्ज टू बियर, मिस्टेक्स हो गई। अगर मान लीजिए यहाँ टू होता तो यहाँ फिर इन्फिनेटिव के रूप में कोई चीज होती, अतः अब ये रिमूव टू ना होकर एड टू आ गया। अगला देखते हैं, द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट दैट, इसमें रिमूव टू नहीं है, ये भी एड है, एड टू करना है। देखें इसको कैसे बनाएंगे, द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट टू, डेट अलग होगा, ये पूरा पोर्शन अलग हो जाएगा, टू एक्सप्लेन। अब यहाँ ये भी एडवर्ब टू यानी कि आपका एड टू ही बन जाएगा, सभी एडिटिव टू हो गए। आगे सिंगला में हम रिमूव टू लेते आएंगे आपके लिए, देखें आगे इसमें भी देखें सी इज टू आ जाएगा, सिंपल बन जाएगा और ये पूरा पोर्शन आपका अलग हो जाएगा, सी इज टू सिंपल टू इजिली दिया गया है, बी चीटेड आएगा, टू बी चीटेड कैसे वाइस बनेगा, टू बी चीटेड इजिली, इस प्रकार से बनेगा ये एक्ट टू। अब एक और एक्ट टू का है, इसको भी देख लें कैसे बनेगा, द सेंटर गवर्नमेंट इज आ जाएगा टू अनस्टेबल, टू से जोड़ देंगे ये पूरा पोर्शन अलग हो जाएगा, टू डू एनी वर्क, इस प्रकार से ये वाक्य आपका बन जाता है, सेंटर गवर्नमेंट इज टू स्टेबल टू डू एनी वर्क। अब अगली श्रृंखला के लिए देखेंगे, अब दूसरा आठवां पॉइंट देखते हैं। अब पॉइंट आठ में ओनली अ फ्यू स्टूडेंट वर प्रेजेंट इन द क्लास, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है इसको। तो आपको पता है जब ओनली दिया जाता है तो नन वर्ड से बनता है, किससे बनता है, तो नन वर्ड लगा दीजिए, नन वर्ड अ फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास बन गया। अब देखिए नेक्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, नेवर है, तो जब एफर्मेटिव बनाएंगे तो सोचिए क्या आएगा, ऑलवेज। अब ऑलवेज टेलर लाइक कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तब हम क्या लगाएंगे, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, ऐसे बनेगा इसका एफर्मेटिव। बहुत अच्छा वाक्य है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अगला देखें, कैन बी लिव विदाउट वाटर, एसर्टिव बनाना है। आपको पता है भाई कैन दिया जाता है, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसे हम एफर्मेटिव बदलते हैं, एफर्मेटिव होता है नेगेटिव बोलते हैं, ये एफर्मेटिव है, अतः हम नीचे वाला वाक्य नेगेटिव बना देंगे, बन गया वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, बन गया। अगला देखते हैं, वी कैन नॉट गेट ब्लड आउट ऑफ द स्टोन, ये इंटरोगेटिव बनाना है, तो इसको देखें नेगेटिव है, सी अफर्मेटिव में जाएगा, कैन वी गेट ब्लड आउट ऑफ अ स्टोन, लीजिए ये एसर्टिव बन गया, ये इंटरोगेटिव बन गया। एसर्टिव का देखें ये किस वाक्य में दिया गया है, एस्टिमेटिव सेंटेंस में दिया गया है, इसको एसर्टिव बनाना आपको पता है भाई वर्ड अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें करता नहीं इसलिए हम इट मान लेंगे, इट इज और अ वेरी, क्योंकि एडजेक्टिव है इसकी वेरी लग गया, लवली गार्डन, बड़ा सिंपल तरीके से बन गया लवली गार्डन। मैन इज अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वर्क, एस्क्लेटिव सेंटेंस बनाना है, आपने देखा भाई इस प्रकार से दिया गया है, दो भार्ट से बन सकता है,
जैसे व्हाट स्ट्रेंज पीस ऑफ वर्क द मैन इज इंटरजेक्शन मार्क। हम मैन अकेला कह सकते हैं। व्हाट स्ट्रेंज पीस ऑफ वर्क द मैन इज, या द व्हाट स्ट्रेंज पीस ऑफ वर्क मैन इज इंटरजेक्शन मार्क, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अब गंगा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, पॉजिटिव डिग्री बनानी है। आप देख रहे हैं वन ऑफ द दिया गया, यानी कि आपने सोच लिया वेरी फ्यू से बनना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री बनाना है, वेरी फ्यू लगा दीजिए, वेरी फ्यू रिवर्स इन द वर्ल्ड, वेरी फ्यू रिवर्स इन द वर्ल्ड आर सो लार्ज एज गंगा। आपको पता है भाई वेरी फ्यू लगा दिया जाता है जब वन ऑफ आता है, पता हो नियम सब बनते चले जाएंगे, कोई कठिन नहीं है। इसलिए इस प्रकार से भी एक सेंटेंस प्रकार से आता है, दूसरा जंबल वर्ड के रूप में आता है करेक्ट करने के लिए, करेक्ट करिए कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। पॉजिटिव डिग्री में देखिए सहारा इज लार्जर देन मैनी टू अदर डिजर्ट, इसमें भी पॉजिटिव डिग्री बनाना है। देखिए मैनी दिया गया है तो मैनी आपको पता है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखना इस बात का। मैनी जब दिया जाता वो भी वेरी फ्यू से बनता है, मैनी या मोस्ट पर, तो यहां पर लगा दीजिए वेरी फ्यू रिवर्स, वेरी फ्यू सहारा क्या, वेरी फ्यू डिजर्ट है DESERTS, very few desert in the world, in the world are so large than Sahara, than Sahara। बहुत ही most important, बहुत ही चुनकर लाए गए sentence है जो वाक्य में पूछे जाते हैं, और जब आप इनको एक बार रिवाइज कर लेंगे पूरा कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ तक हो गया है। इसलिए मैं इसकी प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, और जब दो प्रैक्टिस सेट देने के बाद फिर अगला टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन का मैं उठाऊंगा, जिससे कि आपका अभ्यास भी हो जाए, इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। आप लोग इसे बहुत अच्छी तरह से कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन का नया सेट लेके हम आएंगे और आपको उसके बारे में, उस नियमों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, नोटिफिकेशन को दबा दें, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आपको वीडियो की सूचना मिल जाए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।